नमस्कार शेफ कालू सिंह गुजर। आज हम जो बेसिकली जो इक्विपमेंट्स होते हैं किचन के, इक्विपमेंट्स यानी कि किचन में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो उसमें आपको मैं इक्विपमेंट्स और जो हमारे रैक्स जो होते हैं किस लेवल के होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ यूज होती है, कौन सा सेक्शन किस तरीके का होता है, तो आज मैं टोटल और हम मिला के आज उस पर बात करेंगे, यानी कि किचन इक्विपमेंट्स के, वॉक इन्स के बारे में, फ्रिज के बारे में, वॉक इन क्या होता है, फ्रिज क्या होता है, डीप फ्रिज क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किचन इक्विपमेंट से रिलेटेड है, वो इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो आप भी इसी तरीके से किचन इक्विपमेंट्स और किचन सेटअप इस तरीके से कर सकते हो जो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखाऊंगा आज हमारा, सबसे पहले हम हलवाई सेक्शन दिखाएंगे, हलवाई सेक्शन के बाद तंदूर सेक्शन दिखाएंगे, तंदूर सेक्शन के बाद बैंक्वेट किचन दिखाएंगे, बैंक्वेट किचन के बाद बैंक्वेट में आपके जो तंदूर और ये सब आ जाएगा, डीप फ्रीज दिखाएंगे आपको हम। तो उसके बाद अब देख लो आप, सबसे पहले मैं आपको हलवाई सेक्शन दिखाता हूँ। ये हमारा हलवाई सेक्शन है, ये इस तरीके का हाइट का, ये छोटे हाइट का और मजबूत थोड़ा सा, और इस तरीके के बर्नल्स होते हैं उसमें, ताकि बड़े बड़े बर्तन और हलवाई सेक्शन में इस तरीके से, ये हमने हलवाई सेक्शन में आज जैसे कि ग्लावजन बना के रखे हुए हैं। जो हलवाई स्टोर करता है यानी कि ये उन्होंने घेवर स्टोर कर रखा है, ये हमारा जो नमक पारा है वो स्टोर कर रखा है इसे इन्होंने इस तरीके से। और ये आपको मैं दिखा देता हूँ, यानी कि ये हमारा जो है इंडियन का बैंक्वेट किचन है, इंडियन सेक्शन जिसको हम बोलेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये तंदूर सेटअप होता है। तो तंदूर सेटअप के लिए पहले पीछे बैक साइड में रैग होना चाहिए इस तरीके से, जिस पे आप आटा मैदा का प्रिपेयर, यानी कि भी आपके पेड़े बना सकते हैं नान रोटी के, किस तरीके से कोई भी वैरायटी ऑफ नान रोटी के जो पेड़े बना सकते हैं, इस तरीके की टेबल होना चाहिए। फिर दूसरा ये हमारा जो तंदूर है, एक तंदूर ये है हमारा, एक तंदूर ये है, और तंदूर से नान रोटी लगाने के लिए इस तरीके से हमारे पास ये जो नान रोटी लगाने के जो इक्विपमेंट्स है, यानी कि जो सरिये हैं, ये इस तरीके का होना चाहिए। तंदूर की बैंकुट के हाइट की थोड़ा हाइट इस तरीके का बैंकुट का कि तंदूर हाइट होनी चाहिए, ताकि आप इजी वे में लगा सकते हो। और तंदूर में बगल में आपको एक इस तरीके की टेबल होना चाहिए, ताकि आप इस पर कुछ नान रोटी के पेड़े और ये सब बना के यहाँ रख सकते हैं। साथ में आप ये एक दो हमारा जो बैंकुट किचन में आपका जैसे पाव भाजी हो गया, ये सब तवा डोसा हो गया, बैंकुट में कोई भी फंक्शन है, इस तरीके का एक तवा होना चाहिए। तो ये दो तंदूर हमने एक साथ सेट करा हुआ है इधर से, और ये एक तंदूर ये है हमारा। उसके बाद जो हमने एक बैंकुट में एक डीप फ्रिज सेट कर रखा है, डीप फ्रिज में आपको दिखा देता हूँ, वो हमारा एक डीप फ्रिज है इस तरीके का ये, तो वो उसको हम डीप फ्रिज में बेस पर यूज करेंगे उसको। उसके बाद मैं आपको हमारा वॉक इन दिखा देता हूँ, वॉक इन दिखा देता हूँ। ये वॉक इन का, ये हमारा वॉक इन का टेम्परेचर है इस तरीके का, यानी कि 3, 2, 4, 5 स्टैंडर्ड है हमारा जो टेम्परेचर मेंटेन होता है उससे, इस तरीके का स्टील में होता है ये बाहर से। और मैं आपको वॉक इन दिखा देता हूँ कि अंदर से क्या क्या होता है इसके अंदर, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो बल्ब का जितना भी आपका स्ट्रोक होता है, बल्ब में आप क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या रख सकते हो बल्ब में, ताकि आप अलग अलग जगह रख सकते हो, इस तरीके के रैग है जो, यानी कि स्टील जो रैग बोलते हैं इसको हम, तो ये ऐसे रैग होनी चाहिए इसमें। जैसे ये आपका यहाँ पे स्टॉक में फ्रूट्स का बल्ब में हमने फ्रूट्स रख दिया, पपाया, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, और भी कोई भी वैरायटी आप फ्रूट्स रख सकते हो साइड में, और भी जैसे ये फ्रूट्स हमने रखे हुए हैं वेजिटेबल्स। उसके बाद ये हमारा वेजिटेबल्स का रैग आ गया, इसमें हम वेजिटेबल्स ऐसे इस तरीके से वेजिटेबल्स रख सकते हैं, और इसी तरीके का आप बास्केट या इक्वल कोई भी एक कलर के बास्केट में आप लेके, यानी कि ग्रीन है तो ग्रीन ले सकते हो, ब्लू है तो ब्लू ले सकते हो, तो अलग अलग बास्केट आप इसमें यूज कर सकते हो। ये वेजिटेबल वॉक इन का है। बल्ब का सामान आप इस तरीके से रख सकते हो, जैसे कि ये बल्ब में ये हमने साउथ इंडियन से चटनी बना रखा है, उसको आप स्टोक कर सकते हो ये, और जैसे ये हमारा सॉस है, ये आप स्टोक कर सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें हैं बल्ब में, जैसे ये हमने कोफ्ता बनाया हुआ है, ये भी स्टोक कर सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे ये ग्रेवियाँ हैं, हमने ये ग्रेवी बना के रखा हुआ है, वो टमाटो ग्रेवी हो गया, ये वाइट ग्रेवी हो गया, ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें बल्ब में। ये हमारा वाटरमेलन है, ये स्टोक बल्ब में, ये मस्क मेलन है नीचे, वो हमारा पाइनएप्पल है, ये इस तरीके से। तो आप ऐसे इस तरीके से, जैसे ये बनाना है, स्वीट लाइम है, एप्पल है, पीच
स्पीयर्स है, ये सारे वेजिटेबल्स आप स्टोक कर सकते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो ऐसे इस तरीके का वॉक इन होता है जो कि इस तरीके का लंबा चौड़ा और इतने है, उसमें होता है। वेजिटेबल्स जैसे ड्राई वेजिटेबल्स यानी कि जो आपका आलू प्याज है स्टोक के लिए, मैं एक में इसमें आलू यूज कर सकते हैं, एक में आपका ये प्याज प्याज यूज कर सकते हैं। ये बेकरी है, ये हमारा बेकरी है। बेकरी में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं ज़्यादा आप आपको शो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको दिखा दे रहे हैं बेकरी का जो बेसिस क्या क्या होता है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये हमारा बेकरी का टॉबल टेब है, इसमें हमने स्टोन लगाया हुआ है ताकि इस पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, और इस तरीके का आप भी स्टोन लगा सकते हो, इस पर रोलिंग कर सकते हो आप। वैसे हमारे पास रोलिंग का सीटर है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये हमारा वेट मशीन है, आप इस पर वेट के अकॉर्डिंग कोई भी काम कर सकते हो। और ये हमारा बेकरी शेफ़ है जो बेकरी में कंटिन्यू काम करते रहते हैं। ये हमारा डो सीटर है, इससे आप डो सीटर यानी कि बेलने का काम जो करती है डो सीटर, उसको डो सीटर मशीन बोलते हैं। ये हमने ब्राउनी बना रखा है यानी कि बल्ब का सामान बनाया हुआ है, जैसे ही इसका टेम्परेचर मेंटेन होगा, मैंने आपको बताया वॉक इन में कैसे सेट करना है। ये हमारा जिसको हम एक बेकरी का बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा जिसको हम बेस बोल सकते हैं, यानी कि बेकरी का वन हैंड बोल सकते हैं जिसको, यानी कि डो मशीन है, डो मशीन जिसको हम बोल सकते हैं। ये हम कल इक्विपमेंट्स इसमें काफ़ी सारे यहाँ हम लगा के और इसको यूज करते हैं। सबसे और एक मजबूत जो चीज़ होती है बेकरी की, यानी कि बेकरी जहाँ से आउटपुट होती है, तो ये हमारा बेकरी का ओवन है। इस ओवन में हम बेकिंग बेक करने का और पफिंग करने का यानी कि फर्मेंटेशन करने का भी होता है इसमें। ये कोई भी हम इस सामान यहाँ रख देंगे ओवन में तो फर्मेंटेशन का काम हो जाएगा। ये आपका जो ओवन अभी हमारा कंटिन्यू वर्किंग में है, ये इसको यूज़ करेंगे। ये टेम्परेचर है इनसाइड में, ये टाइमर है हमारा टाइमिंग सेट करने का, ये यहाँ पे भी टाइम चला हुआ है, अभी हमारा ये ओवन कंटिन्यू है। ये बेकरी का हमारा स्टोर है जो कि हमारे को स्टोर से लाके थोड़ा स्टोर हमारे किचन में भी रखना होता है, जैसे कि ये चॉकलेट्स है हमारा, ये कैसोनट है, पाउडर है, ये शुगर है, ब्रेकफास्ट शुगर है, आइसिंग शुगर है, ये पेपर्स वगैरह है। ये जैसे हमारा ट्रे रखने का एक ये इस तरीके का एक ये यानी कि लाइन अप होना चाहिए जिसमें हम इस तरीके का या ट्रे या फिर अपना कोई भी बेकिंग करके निकालते, तो इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये इस तरीके का एक रैग होना चाहिए। ये हमारा ब्रेड कटर है जिससे कि हम पहले लोग क्या करते थे कि नाइफ से काटते थे ब्रेड वगैरह, तो अभी क्या करना होता है आपको इस तरीके से साइज सेट करना है, छोटा जम्बू ब्रेड जम्बो हो, चाहे आपका वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, कोई भी ब्रेड आप इस तरीके के ऊपर से ब्रेड डालोगे आप, और इधर से कट के आपका ब्रेड सेट होके इधर आ जाएगा। तो ये हमारा जो ब्रेड कटर है वो ये है, ये हमारा इस तरीके का केक, ये हमारा केक स्टैंड है। इस तरीके से हम इसके ऊपर केक का यानी कि जो बेस होता है स्पंज होता है वो रख के बनाने के बाद इस पे हम केक बना के रेडी करते हैं और इस तरीके से घुमा देते हैं उसको, उसके बाद केक रेडी हो जाता है। तो और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे बेकरी का स्टोर है, हमने जैसे टेकिंग किया हुआ है, नेम से टेकिंग किया हुआ है, जो चीज़ हमारे को चाहिए होती है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही आपको सेटअप मार लेना है, और भी अगर आपको किचन सेटअप के लिए हेल्प चाहिए तो नीचे मेरे चैनल में कमेंट्स में जो डिस्क्रिप्शन जो लिखा होगा उसमें मेरे कांटेक्ट नंबर रहेंगे, तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं किचन सेटअप के लिए। और उसके साथ साथ आपको पता ही है मेरा एक चैनल है, काफ़ी बड़ा एक चैनल बनाने, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।